आज हम बात करेंगे आपके नेम के फर्स्ट लेटर के बारे में कि उसका क्या मीनिंग होता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि हर एक लेटर की वाइब्रेशन होती है, उसका साउंड इफेक्ट होता है एंड प्लैनेटरी इफेक्ट भी होता है। अगर आपका नाम किसी भी पर्टिकुलर लेटर यानी कि ए बी सी से स्टार्ट होता है तो वो ओवरऑल आपके पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करता है। आपके नेम का फर्स्ट लेटर आपके पर्सनैलिटी, सोशलिटी एंड लक को भी इन्फ्लुएंस करता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेघा मौर्य, आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे लेटर वाई के बारे में। तो उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, लेटर वाई जो है वो नंबर वन को रिप्रेजेंट करता है एंड नंबर वन जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आप लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है। आप लोग सेंसिटिव एंड सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। आप लोगों का नेचर हॉनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आप लोग रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं और अपने आप में सेल्फ फोकस होते हैं। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले आप लोग किंग होते हैं। आप लोगों को खाने पीने का बहुत शौक होता है, यानी कि आप लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं और खर्च करने के लिए सोचते भी नहीं हैं। बस आप लोगों को अच्छा खाना हमेशा मिल जाए तो आप लोग खुश रहते हैं। आप लोग दूसरों को एडवाइस देने में और राइट गाइड करने में एक्सपर्ट होते हैं। आप लोग किसी को भी गलत एडवाइस नहीं देते हैं और ना ही किसी को गलत काम करने के लिए बढ़ावा देते हैं। आप लोगों को लोगों के साथ मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। आप लोगों को अकेलापन बहुत पसंद होता है, इसलिए बहुत बार आप लोग लाइफ में अकेले रह जाते हैं। आप लोग लाइफ में बहुत कम रिलेशंस बनाते हैं, लेकिन जो भी रिलेशंस बनाते हैं उनको बहुत ही ईमानदारी और शिद्दत के साथ निभाते हैं। आप लोग थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, यानी कि आप लोग हमेशा खुद के बारे में ही सोचते हैं। आप सेंटर ऑफ द वर्ल्ड खुद को ही समझते हैं और अपने लिए ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं करते हैं, आप लोग अचीव करते हैं, बट थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ अचीवमेंट होता है, यानी कि जहां आप बाहर नहीं बल्कि अपने आप को डेवलप करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। जिस तरह से आपके रिलेशन में अकेलापन आपको पसंद होता है, उसी तरह शांत जगह पर रहना भी आपको पसंद होता है, यानी कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह आपको बिल्कुल पसंद नहीं होती। आप लोगों में लोगों को दूर से पढ़ने का आर्ट भी होता है। आप लोगों को बहुत बातचीत करना पसंद नहीं होता है। आप लोग हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बात करना ही पसंद करते हैं और बाकी लोगों की तरह मीठा ना बोलकर कभी कभी आप लोग कड़वा भी बोल देते हैं, लेकिन उसके पीछे का रीज़न बाकी लोग नहीं समझ पाते हैं। आप लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इसीलिए अपने आप में ही डूबे रहते हैं और अपना ही वर्क करते रहते हैं, और कभी कभी आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप लोग सेल्फिश है और दूसरों की केयर नहीं करते हैं, इसीलिए लोग समझते हैं कि आप लोग उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बट आप लोग ऐसे ही होते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी वर्क के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप उस वर्क को बिल्कुल नहीं करते हैं और वही वर्क करते हैं जिसमें आपने मास्टरी हासिल की हो। आप लोग अपनी लाइफ एंड करियर दोनों ही अपने हिसाब से चूज़ करते हैं। आप लोगों को सीधी सीधी बात करना पसंद होता है। किसी भी बात को घुमा फिरा कर बोलना आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप लोग अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क के दम पर सक्सेस भी होते हैं, बट अपने लाइफ में किसी भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ करना आपको पसंद नहीं होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। आप लोग बहुत ज़िद्दी एंड हटी नेचर के होते हैं, यानी आपको अगर किसी वर्क को नहीं करना है तो आप उस वर्क को बिल्कुल नहीं करेंगे, और अगर आपको कोई वर्क करना है तो आप उस वर्क को करके ही दम लेते हैं, और आपके इसी नेचर की वजह से आपको लाइफ में बड़े बड़े नुकसान को फेस भी करना पड़ता है। आप लोग कभी कभी बहुत ही कड़वा बोल देते हैं, इसलिए लोग आपसे थोड़ा दूर ही रहना पसंद करते हैं। आप लोग किसी भी रिलेशन के लिए खुद कुछ करें ना करें, बट बाकी लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ करना चाहिए, और अगर सामने वाला आपके लिए कुछ ना करे तो आप बहुत जल्दी फ्यूरियस यानी कि रुष्ट हो जाते हैं। आप लोगों को सोसाइटी, फैमिली एंड सोशल वर्क से दूर रहना ही पसंद होता है। आपको लाइफ में किसी भी टाइप का कोई समझौता करना पड़े ये आपको पसंद नहीं होता, और इसी वजह से बहुत बार आप लोगों को स्ट्रगलिंग लाइफ जीनी पड़ती है। तो आइए अब हम बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले होते हैं, इसलिए लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और रीज़न यही होता है कि आप लोगों को प्यार को पाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप लोग रोमांटिक नेचर के होते हैं और इसी वजह से
बहुत बार आपकी गलती होते हुए भी आपको आपका पार्टनर माफ़ कर देता है। आप लोग बहुत सच्चे और खुले दिल वाले होते हैं। आप लोगों में ये भी आदत होती है कि आप लोग अपने पार्टनर को बार बार ये जताते हैं कि आप बहुत अच्छे लवर हैं, बट आप लोग अपने वर्क में बिज़ी होते हैं, तब आप लोग लव एंड रोमांस की बातें याद नहीं रखते हैं। कुछ केसेस में आप लोग अपने रिलेशंस पर ज़्यादा हक जताने लगते हैं, इसलिए आपके रिलेशन लॉन्ग टाइम तक नहीं रहते हैं। लेकिन आप लोग अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं और अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं आपके करियर्स के बारे में कि कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छी रहेगी या आप इन फील्ड्स में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो वो है डॉक्टर, प्रोफेसर, एडवोकेसी, जज, इंजीनियरिंग, जर्नलिस्ट, सिंगर, म्यूजिशियन एंड कॉमेडियन। आपके लिए जो लकी नंबर्स है वो है 1, 3 एंड 5। आपके लिए जो लकी कलर्स है वो है येल्लो, ब्लू, रेड एंड वाइट। आपके लिए जो लकी डेज है वो है मंडे, वेडनसडे एंड थर्सडे। आपके लिए जो लकी ईयर्स है वो है 21, 24, 33 एंड 41। आपके लिए जो लकी मैरिज एज है वो है 23, 24, 27 एंड 29। तो आइए अब हम बात करते हैं फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में। तो लेटर वाई वाली जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं वो है यामी गौतम, योगी आदित्यनाथ, योगेंद्र सिंह यादव, यश चोपड़ा, युवराज सिंह, यश जौहर, योगेश्वर दत्त, युजवेंद्र चहल, यशवंत सिन्हा, युक्ता मुखी, यशवंत राव, बलवंत राव चौहान, यूसुफ पठान, युविका चौधरी, यशपाल शर्मा, योयो हनी सिंह, यश एंड याशिका आनंद। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।